लेकिन ये जो ट्रांजिट फेस है 22 से 23 के बीच में, ये थोड़ा उथल पुथल करके जा रहा है। आपको 2022 2023 2022 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगेगा, बराबर बराबर रहेगा या फिर थोड़ा खराब? मैंने ब्रॉड क्वेश्चन पूछा आपसे। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समय मार्केट में। हमें तो ये लग रहा है कि जो इंडियन इक्विटीज अगर आप देखें तो अगले साल थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि जो आज के जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है ग्लोबली, और ये एलिवेटेड वॉलेटिलिटी भी शायद थोड़ा बहुत लेके आ सकता है। क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट राइजिंग एक सिनेरियो बन जाता है तो उसमें एक इक्विटी वैल्यूएशन री रेटिंग के लिए बहुत कम स्पेस रह जाता है। सेकेंडली, जब आप ब्रॉडली देखें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी रही हैं FY 2021-22 और first half 2023 में भी ठीक ठाक रहेंगे। बट आगे जाके, क्योंकि आरबीआई का एक ये जो प्रोजेक्शन था ऑफ जीडीपी स्लोइंग डाउन टू 4.5, इसको अगर आप नजर रखें तो थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन एंड शायद थोड़ा बहुत डिसेलरेशन भी की भी उम्मीद रखना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट्स, हम ये मानते हैं कि जो अर्ली साइंस ऑफ कैपेक्स रिवाइवल हमारे सामने जो आके दिखने लगे थे, वो इटसेल्फ उनको एक अच्छा बैलेंस शीट दे जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट के लिए। बट ब्रॉडली, एक इतना अच्छा रन के बाद हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा अगले साल, ये मान के हमें चलना पड़ेगा, और शायद यही रेंज में मार्केट रह जाए विथ सम एलिवेटेड वॉलेटिलिटी, ऐसा हमारा व्यू है फॉर अगले साल। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बैंकिंग में काफी अच्छे आए हैं, और द बेस्ट पार्ट इज हमारा ये मानना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड क्रॉस 75%। सो कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी नहीं है, बट ब्रॉडली इक्विटी मार्केट ऐसे ही रहते हैं। कुछ अच्छे रन जाते हैं, फिर थोड़े कंसोलिडेशन का माहौल बनता है, फिर एक एक नीचे का बेस बना के फिर आगे बढ़ते हैं। हमें हमें लगता है अगले अगले साल थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन का साल रहेगा। मैं तो आप